हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एक बार फिर से एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज़ में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आज हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन सी घटनाएँ हुई हैं, उन घटनाओं का क्रम क्या रहा है और उसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, देश की आज़ादी में क्या योगदान रहा है। उसमें कौन कौन से क्रांतिकारी और कौन कौन से नेता हैं जिनका इस राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर रखा है, जिसमें हम पहले चरण की बात कर रहे हैं। तो जो पहला चरण होता है, इसकी शुरुआत होती है 1885 से 1905 तक। ये जो चरण फेज रहा है, ये उदारवादियों का चरण रहा है, जिसमें हम दादा भाई नौरोजी जैसे उदारवादी नेताओं को देखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इनका प्रभाव हम देखने के लिए पाते हैं। ठीक है, ये लोग अंग्रेजी सरकार में घोर आस्था रखते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह, ये सब क्या हैं, उदारवादी नेता हैं जो अंग्रेजी एजुकेशन में, अंग्रेजों की जो पद्धतियाँ रही हैं उनकी न्यायप्रियता में घोर विश्वास रखते थे और ये चाहते थे कि हम संवैधानिक तरीके से अपना स्वराज स्थापित कर पाएँ, अपना स्वशासन स्थापित कर पाएँ। और इसके लिए इन्होंने अलग अलग तरीकों का उपयोग किया, जिसके माध्यम से ये अंग्रेजों से एक रिक्वेस्ट तरीके से, जैसे एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, मेमोरेंडम के थ्रू, स्मरण पत्र जैसे हो गए, ठीक है, आपका प्रतिवेदन है, डेलीगेशन बनाते थे और ये अंग्रेजों से जाकर मिलते थे और अपने स्वराज के लिए अपने सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड किया करते थे। यानी कि इनका जो तौर तरीका था वो पूर्णतः संवैधानिक तरीके से ये अपनी चीज़ों को या देश के लिए स्वराज की मांग कर रहे थे। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के पहले हम देखेंगे कि आखिर ये संस्था जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये इनका उद्देश्य क्या रहा है। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जब हम बात कर रहे, हम देख रहे थे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद हम देखते हैं जब 1858 में 1857 की क्रांति को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है, तो अंग्रेजों ने एक अधिनियम लाया जिसके थ्रू कंपनी का भारत पर नियंत्रण कम कर दिया गया और अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन जो है भारत की सत्ता पर अपना कंट्रोल स्थापित करता है। अब धीरे धीरे भारत की राजनीति में ब्रिटिश क्राउन का भी इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जगह जगह पर अपने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, क्रिश्चियन मिशनरीज का भारत में इंट्रोडक्शन हो चुका है, वे ईसाइत के प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं और बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में संचालित किए जाते हैं, जिसमें भारतीयों का भी योगदान है। हमने पहले ही बात की, बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य जो शिक्षा रही है उससे ज़्यादा सुपीरियर मानते थे कंपैरेटिवली हमारी इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के। तो ऐसे दौर में बहुत सारे ऐसे भारतीय भी हुए हैं जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन परंपरा को बहुत बेहतर मानते थे और यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन शुरू होते हैं। ये आंदोलन राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति से ओतप्रोत रहे हैं, जिस कारण से अंग्रेजों ने इन आंदोलनों को दबाने के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात करी जिसके थ्रू वो मतलब अपनी बातों को भारतीय रखेंगे, जगह जगह पर आंदोलन ना हो, क्योंकि जगह जगह पर आंदोलन होगा तो उसको दबाने के लिए इनके पास मशीनरी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रपोजल रखा और पहली बार लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पर 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहले जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन था, बाद में दादा भाई नौरोजी के रिकमेंडेशन पर द भारतीय राष्ट्रीय यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में परिवर्तित हो जाती है। तो 1885 में A.O. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में एक संस्कृत महाविद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ मात्र 72 लोगों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं ब्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड डफरिन रहा है, इसके संस्थापक सदस्य कौन रहे, तो A.O. ह्यूम रहे हैं, एलन ओंटोनियो ह्यूम, और संस्थापक अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो ब्योमेश चंद्र बैनर्जी।
पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1885 में मुंबई में हुआ था। ध्यान रखेंगे कांग्रेस की स्थापना जो है ये हुई थी आपकी दिसंबर महीने में, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। हम देखते हैं आज भी कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है हर साल दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में आयोजित होता है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर पहला अधिवेशन बुलाया और इस अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। 9 प्रस्ताव या 9 डिमांड्स बोल सकते हैं, 9 मांगे बोल सकते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों से की। उनमें से कुछ डिमांड जैसे ये चाह रहे थे कि जो सैन्य खर्च है, सैन्य व्यय जो है उस पर कटौती की जाए। इंडियन काउंसिल एक्ट जो लंदन में था उसको खत्म करके भारत में इंडियन की स्थापना कर दी जाए, ठीक है। भारतीयों को उनकी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में काम करने का मौका दिया जाए। ICS की जो परीक्षा हो लंदन में हो रही थी उस परीक्षा को भारत में आयोजित किया जाए। उसमें जो एज की लिमिटेशन थी उस एज की लिमिटेशन में भारतीयों को रिलैक्सेशन दिया जाए। तो इस तरीके कुल ऐसे 9 प्रस्ताव जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में रखे गए, जिसमें कुल 72 सदस्य थे, जिसमें सबसे ज़्यादा सदस्य मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन शीघ्र ही ये जो कांग्रेस का की विचारधारा है पूरे देश में फैल जाती है और एक साल के अंदर यहाँ बहुत सारे सदस्य जो हैं इसके, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ले लेते हैं और धीरे धीरे अपनी विचारधारा जो है ये पूरे देश में फैलती है। लेकिन अभी भी इन शुरुआत ही इनकी कैसे हुई है, संवैधानिक तौर तरीकों से। तो हम अब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, कहाँ कहाँ पर हुए हैं और उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन रहे हैं या उस अधिवेशन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो अभी हम लोगों ने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ है, जिसके अध्यक्ष रहे हैं ब्योमेश चंद्र बनर्जी। कुल 72 लोग थे, इसमें 9 प्रस्तावों को पहली बार पारित किया गया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। कुछ लोगों ने कुछ बातें कही हैं, जैसे एक तो लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन का ये मानना था कि कांग्रेस जो है एक गंदी चीज है और ये जो है देश हित के लिए काम नहीं करेगी, ये एक देशद्रोही संगठन है। तो कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन का नाम दिया था, ठीक है। वही हम देखते हैं डफरिन ने जब कांग्रेस की स्थापना की तो उसे कहा कि कांग्रेस जो है ये अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व, जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या बहुत ही ये क्या है, कम है, बहुत ही सूक्ष्म है। तो ये कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा। हालांकि ये उसके ही दिमाग की उपज है, लेकिन भारतीयों को आपस में ही लड़ाने के लिए उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। वहीं इसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं ब्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, ये उसके दिमाग की देन है, ठीक है। तो एक और व्यक्ति है आपको बिपिन चंद्र पाल ने कहा है कि कांग्रेस एक याचना संस्था है। याचना संस्था का मतलब है भीख मांगने वाली संस्था। ये बिपिन चंद्र पाल वही लाल बाल पाल वाले हैं, लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यानी कि ये उग्रवादी विचारधारा के हैं। आगे जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण देखेंगे जिसमें अल्ट्रा नेशनलिज्म या कट्टर राष्ट्रवाद की विचारधारा देखते हैं तो वहां पर आप बिपिन चंद्र पाल और उनका योगदान देखने के लिए पाते हैं, ठीक है। वहीं अश्विनी कुमार दत्त ने इसे 3 दिनों का तमाशा कहा है, ठीक है। 3 दिनों का तमाशा कहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा है, अश्विनी कुमार दत्त। तो इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो किसने क्या कहा है मैंने आपको बता दिया है, जो लोग लिखना चाहें पॉज करके आराम से इन चीजों को, स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन रहे हैं उनकी। तो अभी हम लोगों ने पहले अधिवेशन के बारे में बात की। देखिए इसमें 2 तरीके के सेशन जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आयोजित किए गए हैं। एक तो वार्षिक सेशन होंगे, वार्षिक अधिवेशन जो होंगे वो फिक्स है, हर साल दिसंबर महीने में होगा।
लेकिन जो विशेष अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन आपका हमेशा कभी भी जब जरूरत पड़ेगी तब विशेष अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर्स वहां पर एकत्रित होंगे और जो मुद्दा होगा उसका प्रस्ताव वहां पर रखा जाएगा सदन के सामने और वहां पर उस पर मंथन होगा, मंथन के बाद जो रिजल्ट होगा वो सबको प्रेषित किया जाएगा। तो अगला जो कांग्रेस का अधिवेशन है अगले साल देखने के लिए पाते हैं 1886 में, यानी कि जस्ट एक साल बाद 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी, इन शॉर्ट हम इन्हें डीबीएन बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं ये पारसी हैं, यानी कि पहले ज़ोरास्ट्रियन या पहले पारसी अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हुए हैं दादा भाई नौरोजी हैं, जिन्हें भारत का पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, भारत का पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी की एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसके बारे में उन्होंने उनकी दादा भाई नौरोजी की एक बुक है द पावर्टी एंड अंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि 1757 से जब प्लासी का युद्ध हुआ है, प्लासी के युद्ध के बाद से ही अंग्रेजों ने भारत से धन का पलायन करवाना शुरू कर दिया था, यानी कि आप सिंपली ये बोल सकते हैं 1757 से भारतीय धन का पलायन शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए अंग्रेजों ने अलग अलग तरह की नीतियों का उपयोग किया, जैसे दस्तक फर्रुखसियन ने दे रखा था, यानी टैक्स फ्री ट्रेड जो था उसकी परमिशन, या मैग्ना कार्टा जिसे हम बोलते हैं फर्रुखसियन ने अंग्रेजों को दे रखा था, दस्तक का उपयोग वो अपने पर्सनल व्यापार के लिए कर रहे थे। सारे अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज व्यापारी धनी होते जा रहे थे, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग, भारतीय कुटीर उद्योग, भारतीय व्यापारी, भारतीय कृषक ये गरीबी में डूबते जा रहे थे। दूसरा, दस्तक के अलावा जैसे दस्तूर या नजराना जो था उसके माध्यम से भी ये क्या कहते हैं भारतीयों से पैसे खूब ऐंठ रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी इनकी जो पॉलिसीज आई जैसे सहायक संधि है, ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति रही है, ठीक है, आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इन सभी के माध्यम से इन्होंने भारतीय धन को खींच कर विदेश ले गए। भारतीय व्यापारियों से ऊंचे दरों पर टैक्स यहाँ पर आरोपित किए गए थे और जो ब्रिटिश व्यापारी थे यूरोपियन माल जो था वो कम के बिना टैक्स के टैक्स फ्री ट्रेड के थ्रू इंडिया में आता था और ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय व्यापार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इन्हीं सारी चीज़ों को दादा भाई नौरोजी ने अपनी इस पुस्तक में मेंशन किया है कि कैसे ये जो भारतीय धन है वो विदेशों में जाता था और ऋण के रूप में दोबारा से वो भारत में आता था, और ये जो ऋण का जो कुचक्र है लगातार चलता जाता था जिसके कारण से भारत जो एक सोने की चिड़िया हुआ करता था वो गरीब भूखे बेरोजगारों का देश बन जाता है। इसके लिए 1867 में आपका ब्रिटेन में एक प्रोग्राम हुआ था 1867 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने इस के बारे में वहां पर बताया था। तो वहीं से ये जो थ्योरी आई है, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, आपका दादा भाई नौरोजी का ही दिया हुआ है। आपसे कई बार एग्जाम में शॉर्ट आंसर में लिखने के लिए आता है थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसमें आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं कैसे पहली बार कब दिया था, 1867 में दिया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ लंदन में हुआ था, उस जो एसोसिएशन का जो टाइटल था, मीटिंग का जो मेन मुद्दा था उसमें ये था कि ब्रिटिश डेप्ट या इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, यानी कि इंग्लैंड का भारत पर कर्ज। अभी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हालांकि इस पर हम कभी आगे चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों के कर्जदार हम थे कि वो हमारे कर्जदार आज भी हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसमें हमने बात की द्वितीय अध्यक्ष, पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इसी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी के आधार पर पहली बार 1906 का जो कलकत्ता का अधिवेशन होता है उस कलकत्ता के अधिवेशन में हम पहली बार कांग्रेस के फ्लोर से
स्वराज की मांग स्वीकार शुरू करते हैं और वहीं पर ये सारी चीजें कांग्रेस ने इस थ्योरी को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब आगे हम देखेंगे अगला जो इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट सेशन नेक्स्ट ईयर 1887 में हुआ है। 1887 का जो सेशन है ये आपका हुआ है मद्रास में। 1887 मद्रास, इसके अध्यक्ष रहे हैं बदरुद्दीन तैयब। तो यहां से एक बात और क्लियर होती है कि पहले मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जो पहले मुस्लिम हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और उसके अगले साल 1888 में ये जो सेशन होता है ये होता है आपका इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, ठीक है। तो इलाहाबाद के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले, यानी कि पहला ब्रिटिश, पहला यूरोपियन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, जॉर्ज यूले हैं। तो इस तरीके से ये शुरू के चार अधिवेशन कांग्रेस के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि चारों अधिवेशन अलग अलग स्थानों पर हुए हैं। कांग्रेस जो मात्र 72 लोगों के साथ बंबई में स्थापित होती है, इन चार सालों के अंदर पूरे देश की विचारधारा बन जाती है, जहां पर लोगों ने अंग्रेजी तौर तरीकों से, उनके संवैधानिक तौर तरीकों से भारतीय स्वराज की मांग की शुरुआत की है। और ये आंदोलन एक विशाल जनसमूह का आंदोलन बन जाता है और इस तरीके से हमारा पहला चरण जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शुरू होता है। कई लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था भी कहा है, याचना संस्था के नाम से पुकारा है, किसी ने डफरिन की देन कहा है। लेकिन अगर हम इस चीज को इवेल्युएट करें तो हम ये पाते हैं कि यद्यपि इनके तौर तरीके उदारवादी रहे हैं, लिबरल रहे हैं, ठीक है, ये संवैधानिक तौर तरीकों के माध्यम से ही अपने चीजों को की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जब समय की मांग को हम देखते हैं, समय की ये मांग थी कि वहां पर सबसे पहले देश में लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करना, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, लोगों की विचारधाराओं में जो डिफरेंसेस, उन विचारधाराओं को समेकित करना और देश के आज़ादी के लिए वहां पर एक साथ होकर एक उद्देश्य को लेकर ये सब आगे बढ़े। तो ये काम नो डाउट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही किया है, इसलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान को नहीं भूल सकते हैं। क्रिटिसाइज किया जाता है, किया जाता रहेगा, लेकिन उसका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि कैसे किन किन अधिवेशनों के माध्यम से क्या क्या सुधार हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसकी हम बात करते हैं। ये अधिवेशन है आपका 1905 का कलकत्ता अधिवेशन। 1905 में जब बनारस का अधिवेशन है ये। 1905 में ये अधिवेशन बनारस में होता है और बनारस में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं और ये भी उदारवादी विचारधारा के हैं। इनका भी मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बिना यहाँ पर भारतीयों का विकास संभव नहीं है। भारतीयों के उत्थान के लिए ये वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी थी उसके सपोर्टर रहे हैं। इनके जो गुरु रहे हैं महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु रहे हैं। तो दो गुरु यहाँ पर मिल गए हमें, एक तो महादेव गोविंद रानाडे मिल गए गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु हैं किसके? महात्मा गांधी के। आगे हम आते हैं 1905 का जो बनारस का कांग्रेस का अधिवेशन रहा है। इस अधिवेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा बंगाल में पहुँचते हैं। बंगाल में हम देखते हैं कि 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर दी जाती है कि बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। तर्क ये दिया गया कि बंगाल राज्य जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, उस समय पर 1905 में बंगाल की जो जनसंख्या थी लगभग 8 करोड़ के आसपास थी। इस कारण से अंग्रेजों ने कहा कि इसका जो प्रशासन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए हम बंगाल को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, पूर्वी बंगाल और आसाम का जो हिस्सा है और दूसरा जो था पश्चिमी बंगाल, यानी आज का पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से ये विभाजन होता है। लेकिन अगर हम विभाजन को
गौर से देखें तो हम यहाँ पर पाते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी, हिंदू मुस्लिम एकता जो थी, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने इस तरीके का विभाजन किया है कि एक साइड मुस्लिम ज्यादा होंगे, दूसरी ओर हिंदू ज्यादा होंगे, और दोनों ओर जो अल्पसंख्यक वर्ग होगा वो एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे। तो इस तरीके से बंगाल को दो अलग अलग भागों में विभाजित करने की घोषणा की जाती है। ये विभाजन अक्टूबर 1905 से प्रभावी होने वाला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल में कलकत्ता में टाउन हॉल से एक जनसभा का आयोजन किया जाता है और वहीं पर विद्रोह की शुरुआत होती है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में सब एकत्रित होते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहीं पर एक फेमस गीत लिखा है, आमार सोनार बांग्ला, जो आज भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। और यहीं से बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। जो अक्टूबर का दिन था, अक्टूबर को 16 अक्टूबर जो विभाजन की तिथि निर्धारित की गई थी, उसे राखी दिवस और शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। लोगों ने उसे शोक दिवस के रूप में मनाया भी। ये वो पहला राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने भी खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, महिलाओं ने विदेशी चूड़ियां पहनना मना कर दिया, विदेशी चप्पल नहीं पहने जाते थे उनको त्याग दिया गया। इवन विदेशी इंस्टीट्यूट्स जो संस्थाएं थीं उनका भी भारतीयों ने परित्याग कर दिया, और बहुत सारे भारतीय जो कॉलेज वगैरह हैं उनकी स्थापना की जाती है, बहुत सारे स्वदेशी चीज़ों का विकास होता है, और इस तरीके से स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ता है। इसी स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम जो है एक राष्ट्रीय गीत के रूप में उभरता है, जिसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बंगाल विभाजन में होती है, और यही बंगाल विभाजन बाद में हम देखते हैं दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित होता है। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग्स के टाइम पर बंगाल विभाजन को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाता है। तो ये 1905 बंगाल विभाजन। अगला जो इंपॉर्टेंट सेशन है 1906, ये है कलकत्ता का, और इसके अध्यक्ष एक बार फिर से बनाए जाते हैं दादा भाई नौरोजी। अभी हम लोगों ने बात की, हम प्रथम चरण की बात करें जिसमें 1885 से 1905 का जो समय था ये वो समय है जो उदारवादियों का समय है। तो यहाँ पर जितने भी उदारवादी थे उनका प्रभुत्व रहा है, वो संवैधानिक तरीकों से ही अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे हमने बात की लाल बाल पाल, तो इन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना करना शुरू कर दिया, उनकी नीतियों की आलोचना करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन 20 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो तौर तरीके हैं उनसे भारतीयों को कुछ मिला नहीं। इवन जो पहला जो रेजोल्यूशन रखा गया था पहले सेशन में 9 रेजोल्यूशन, उनमें से कुछ डिमांड थी पूरी की गई थी, जैसे ICS की परीक्षा भारत में आयोजित की जाने लगी, उम्र जो की सीमा जो है 18 से 23 साल कर दी जाती है, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो विदेश में थी उसको रद्द कर दिया जाता है, लेकिन सारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई। केवल प्रतिवेदनों का डेलीगेशंस का दौर चलता रहा और कुछ हुआ नहीं। तो इस तरीके से लाल लाल लाजपत राय और इन सब लोगों ने कांग्रेस की बड़ी ही भीषण आलोचना की है, ठीक है, जिस कारण से अब कांग्रेस दो खेमों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक उदारवादी और दूसरा जो है वो कट्टरपंथी, यानी कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस में जो उदार उग्रवादी धड़ा रहा है वो यहाँ पर चाहते थे कि लाला लाजपत राय या रवि बाल गंगाधर तिलक इनमें से कोई या एक अध्यक्ष बन जाए, ठीक है। लेकिन उदारवादियों ने मतलब नीति चली और उस नीति के आधार पर उन्होंने दादा भाई नौरोजी का नाम आगे कर दिया। अब क्योंकि दादा भाई नौरोजी बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत सम्मानित थे, ठीक है, कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता था, इस कारण से जो उग्रवादी लोग थे उन्होंने दादा भाई नौरोजी का विरोध नहीं किया और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष स्वीकार कर लिया। अब ये सेशन, ये प्लान किया गया कि अगला जो सेशन है वो आपका नागपुर में आयोजित किया जाएगा। 1907 में प्लान ये बना कि उसमें अगला जो सेशन है वो नागपुर में आयोजित किया जाएगा, लेकिन जो उदारवादी हैं उन लोगों ने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के बाद इस ये जो सेशन है इसे बुला लिया सूरत में। यहां भी अब नागपुर में हुआ यह था कि नागपुर में अगर ये सेशन होता तो वहां पर कट्टरपंथी या जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे वहां उनका बाहुल्य था, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष बनता वो भी उग्रवादी विचारधारा का ही बनता। तो नरम पंथियों ने अपने षड्यंत्र करके स्थान भी चेंज करवा दिया और वहाँ पर अपन एक बार फिर से जब अध्यक्ष की बात आई तो इन्होंने अध्यक्ष के रूप में रास बिहारी बोस को आगे कर दिया,
ठीक है। तो राज बिहारी बोस का जब जैसे ही नाम आया तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, उनके साथ उनके टीम के सारे लोग इस अधिवेशन को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, जिसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे जब कभी पूछा जाए सूरत स्प्लिट क्या है, तो ध्यान रखेंगे सेपरेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। 1906 वाला अधिवेशन हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आप ध्यान रख लेंगे पहली बार कांग्रेस के फ्लोर से स्वराज की डिमांड कब की गई है या कहां की गई है, तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इसी से स्वराज की डिमांड की गई थी। स्वराज जो शब्द है पहली बार आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, स्वराज का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ये ध्यान रखें। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे हम लेकर रहेंगे, ये नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक हैं। आगे चलते हैं, अगला जो सेशन है अगला जो सेशन है 1907 के बाद वो है आपका 1916 स्थान का लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष हैं। देखिए 1906 के बंगाल विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक और विभाजन देखने के लिए मिलता है, या उसी के पैरेलल हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में हुआ है, ठीक है, सलीमुल्ला खां, आगा खां तृतीय के नेतृत्व में यहाँ पर मुस्लिम लीग जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की डिमांड कर रहा है और मुसलमानों के हितों के संरक्षण के लिए अलग इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड कर रहा है। तो 1906 में मुस्लिम लीग का भी गठन हो जाता है। तो मुस्लिम लीग के गठन के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इनके अलग अलग पैरेलल सेशन अलग अलग जगह पर आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। ये विभाजन 1916 में खत्म होता है, यानी कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों का अधिवेशन 1916 में एक ही जगह पर आयोजित होता है, लखनऊ में। लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजूमदार, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों ने अपने जो खुद दोनों लोगों की विचारधाराएं थी उस पर समझौता किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ यहाँ पर विलय होता है, ठीक है। इसे हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। और 1916 तक आते आते जो उदारवादी और कट्टरपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग थे उन दोनों की विचारधाराएं भी लगभग एक हो जाती हैं और अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में केवल कट्टरपंथी विचारधारा का वर्चस्व देखने के लिए हमें मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिम उदारवादी और नरमपंथी कट्टरपंथी दोनों का भी यहाँ पर संविलयन किया जाता है। लेकिन आपसे अगर लखनऊ समझौता बोलेगा तो लखनऊ समझौता के बारे में आप लिखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दूसरे के साथ जो विलय है उसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। कब हुआ है? 1916 में हुआ है। कहाँ हुआ है, किसकी अध्यक्षता में हुआ? अंबिका चरण मजूमदार और मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप में हुआ है, ठीक है। अगला जो है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1917 का जो सेशन है इसके जो अध्यक्ष है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कलकत्ता में ये सेशन आयोजित किया गया था। ये पहली महिला है, ठीक है, पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे आज सोनिया गांधी जी हैं वैसे ही ये पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष हैं, श्रीमती एनी बेसेंट। कलकत्ता में इसी सेशन में पहली बार कांग्रेस ने अपने ध्वज के रूप में तिरंगे को यूज किया था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि पहली बार ट्राई कलर का यूज किया गया है 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षा हैं श्रीमती एनी बेसेंट। एक चीज और यहाँ पर याद रखेंगे, 1917 के बाद 1925 सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं।
ठीक है। और उसके बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनती हैं। तो इस तरीके से ये तीन महिलाएं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके बाद बाकी जो दूसरे सेशन हैं उनको भी हम देखते हैं। उन्नीस सौ चौबीस का सेशन हुआ है आपका कर्नाटका बेलगांव, जिसके अध्यक्ष हैं महात्मा गांधी जी। 1924 के बाद एक और इंपॉर्टेंट सेशन है 1929, ये हुआ है आपका लाहौर में रावी नदी के तट पर, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय ध्वज फहराया और यहीं पर हम पूर्ण स्वराज की डिमांड पहली बार करते हैं। आपसे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, ध्यान रखेंगे भारतीय लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अधिवेशन रावी नदी के किनारे हुआ था, यहीं पर हम पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं और यहीं पर यह घोषणा की जाती कि हर साल 26 जनवरी के दिन हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। फिर 1929 के बाद 1931 का जो अधिवेशन है ये हुआ है आपका कराची में, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पारित किया गया, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कब पारित किया गया, 1931 के कराची अधिवेशन में। एक और इंपॉर्टेंट सेशन है 1937 का फैजपुर। फैजपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, एक गांव है। तो ये पहला गांव है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बड़े शहरों के नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन ये पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इकलौता गांव है, ठीक है, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित होता है। यानी कि कांग्रेस जो है अब गांव-गांव में भी अपनी जो विचारधाराएं हैं वो उन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसके अध्यक्ष भी रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला जो अधिवेशन है 1938 में हुआ है गुजरात में। गुजरात में एक स्थान है हरिपुरा, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में फिर से एक बार जबलपुर में एक स्थान है त्रिपुरी, वहां पर सेशन आयोजित किया जाता है और उस सेशन में भी अध्यक्ष बनते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इस सेशन में महात्मा गांधी जी ने अपने कैंडिडेट के रूप में पट्टा भी सीतारमैया को खड़ा किया था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में कट्टरवादी विचारधाराओं का, जो बोल सकते हैं उग्रवादी विचारधारा के लोगों का वर्चस्व था, वो लोग चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और जब वोटिंग होती है पट्टा भी सीतारमैया हार जाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। महात्मा गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई और इस कारण से महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन क्योंकि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी का बहुत ही सम्मान किया करते थे, इस कारण से उन्होंने भी गांधी जी को के इस्तीफे को मना कर दिया और बोला कि मैं भी इस्तीफा देता हूं। वहां से निकलते हैं, बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उसके बाद जाते हैं INA और आज़ाद हिंद फौज वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट होता है और उनकी सारी चीज़ें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान में देखेंगे। लेकिन इतिहासकारों ने इस घटना को त्रिपुरी क्राइसिस का नाम दिया है, त्रिपुरी संकट, ठीक है। और अब पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 1939 तक के ये अधिवेशन रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। 1939 के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट सेशन है 1946, ये मेरठ में हुआ था, इसके अध्यक्ष रहे आचार्य JB कृपलानी, ठीक है। 1947 ये आपका दिल्ली में होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
1948 जयपुर पट्टाभी सीतारमैया। तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो हम ध्यान रखेंगे सेशन होता है कब, दिसंबर में, और आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जेबी कृपलानी थे जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, उसके बाद 1947 का जब सेशन बनता है तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। 48 जयपुर पट्टाभी सीतारमैया। दो इंपॉर्टेंट सेशन और हैं, एक तो है जिसमें वंदे मातरम गाया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे 1896 का जो सेशन है इसमें पहली बार आपका वंदे मातरम गीत गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में। और 1896 के बाद वंदे मातरम, 1911 का जो सेशन है, ठीक है, ये भी कलकत्ता में होता है, इसमें नेशनल एंथम जन गण मन गाया गया था। इसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है, दिल्ली दरबार में, ये ब्रिटिश के जो रूलर रहे हैं उनके सम्मान में एक गीत लिखा गया था, गाया गया था। ठीक, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट सेशंस रहे हैं उनकी हमने बात की है, थोड़ा सा देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है वो कैसे रहा चला, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या योगदान रहा है। ठीक है, अब द्वितीय चरण और उसमें जो उग्रपंथी विचारधारा है उसके बारे में क्या कारण रहे हैं इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के, इन सब की चर्चा विस्तृत से हम अगले अपने वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।